बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिश से हमें वोट का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला। ये तो राजनीति में बराबरी का अधिकार है, लेकिन हम लोग सामाजिक और आर्थिक दिशा में हम लोग इसमें पिछड़े रहने के कारण, इसमें हमारा पतन होने के कारण, तो हम लोग इसका कोई फायदा नहीं ले पाए। जो वोट का अधिकार मिला, बहुत लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया। अधिकार मिला ये तो, ये तो सत्ता परिवर्तन का अधिकार था, सरकार को परिवर्तित करके बदल कर तो आगे बढ़ने के लिए, या सब कुछ अपनी बिगड़ी बनाने का ये एक अधिकार था। तो इस अधिकार का इतना दुरुपयोग हुआ कि बहुत लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया, और बहुत से लोग जो होशियार थे तो उन्होंने सोचा कि भाई अब एक एक कौन खरीदता रहेगा, इनको इकट्ठे करो और फिर इनको थोक में बेचा जाए, तो थोक के व्यापारी पैदा हुए इसमें, इसी समाज में फिर थोक के व्यापारी पैदा हुए कि भाई मेरे पास इतने वोट हैं, तो उसकी उस हिसाब से कीमत पड़ी। तो इस तरह से वो बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो व्यक्ति बेचता है, चाहे ग्रुप बनाकर बेचता है, और चाहे उनमें से ही समाज में से आगे निकले हुए लोग हैं वो उनका बड़े पैमाने पर उसको बेचते हैं, तो लेकिन इनको उसका लाभ नहीं हुआ। और उसी तरह से ये जो है बहुत से लोग जो नहीं बेचते हैं वोट या नहीं बेचना चाहते हैं, उनका वोट चोरी हो जाता है। बहुत आदमी मैंने देखा है, जिधर कोई इलेक्शन जब लड़ाते वक्त देखा है, बहुत से लोग जब वोट डालने जाते हैं तो तब उनको ख्याल आता है कि वो मैं वोट डालने आया था, मेरा वोट ही नहीं निकला। बहुत आदमी का वोट ही नहीं निकलता है, तो जब वोट बनाते हैं तब उनको कोई ध्यान नहीं होता है, ना उनका कोई संगठन होता है जो इसका ध्यान रख सके। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा वोट ही नहीं है, अब क्या करो, फटाफट कुछ करो, इतना जिद करते हैं, जिनको कभी जिन्होंने सोचा नहीं उसके बारे में, वो सबसे ज्यादा जिद करते हैं, निकालो किसी तरह से इसको, मैं ये वोट डालना चाहता हूं। और बहुत से लोग जो हैं तो उनका जो वोट है तो वो चोरी हो जाता है, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, जिन लोगों की सरकार होती है या जिनका सरकार में असर होता है वो सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल से वो चोरी करते हैं, जिसको ये रिगिंग बोलते हैं। और बहुत का वोट जो है वो लुट जाता है, डाका पड़ता है उस पर, जिसको बूथ कैप्चरिंग कहते हैं, बूथ कैप्चर हो जाते हैं। तो वोट का अधिकार हम लोग सही क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके, सामाजिक और आर्थिक दिशा में गिरे रहने के कारण, सामाजिक और आर्थिक दिशा में गिरे रहने के कारण हम लोग उस वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। और यही बाबा साहब ने कहा था कि इस बराबरी का, राजनीति में जो हमें बराबरी मिली है, बराबर का वोट हमें मिला है, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा। अगर वोट हमारा, बहुत लोग तो खुद ही बेचने लगे, थोक में व्यापारी पैदा हो गए, वो बेचने लगे, और फिर चोरी होता रहा, लूटता रहा, लेकिन हम लोग उसका सही उपयोग नहीं कर सके।